आप सभी को नमस्कार और खास कर जो पंजाब से हमारे भाई आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां। बड़ा अच्छा लगता है। मैं शुरू से जिस दिन मैंने पहले दिन यहाँ आना शुरू किया उस दिन मंच पे पूरे हमारे सिख भाई बैठे हुए थे और मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरी। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि यहाँ तो सारे सरदार बैठे हैं, मैं नहीं जा रही, आप ही मिलके आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि उन्हीं सरदार भाइयों के साथ 5 साल तक मुझे उनके बीच में बैठना है, उसे मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैंने अपने सिख भाइयों के बीच में बैठ के एक अच्छी बात सीखी कि वो लोग हैं कि इतना उनके अंदर किसी की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे हरियाणा में क्या होता है कि अगर कोई गिलास रास्ते में पड़ा तो वो सोचता है कि अगर मैंने ये झूठा गिलास उठाया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने इन भाइयों से सीखा है कि उनको जो भी चीज लगे वो छोटी बड़ी नहीं होती, वो हमेशा आगे बढ़ के उस काम को करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा इनसे सीखने को मिला और मैं हमेशा उस बात को याद रखती हूँ। रही बात ओआरओपी की, ये भी मुझे यही आके पता चली थी कि वन रैंक वन पेंशन है क्या चीज, वरना मैंने भी बोल दिया था कि अरे अच्छी खासी तो पेंशन मिल गई, क्यों बैठे हैं सड़कों पे। लेकिन जब धीरे धीरे जन सतवीर की बातें सुनी और भाइयों का भाषण सुना तब समझ में आया। आज इतना समझ में आ गया वन रैंक वन पेंशन कि पुलिस डंडे भी मारती है, थाने में भी डालती है, गंदे गंदे आरोप भी लगाती है, फिर भी हम जंतर मंतर नहीं छोड़ रहे। इतना रग रग में बस गया हमारा ओ आर ओ पी। अब हमें समझ में आ गया कि ओ आर ओ पी हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारे सैनिकों का हक है और किसी भी सरकार में इतना दम नहीं जो सैनिकों के हकों को रोक सके। सरकारों ने एक टूटी से हमारी लड़ाई जारी है, सरकारों ने पूरा जोर लगा रखा है, बहुत सारी सरकारें आई चली गई, ये सरकार भी आई है चली जाएगी। अपना हक हम अपने सुप्रीम कोर्ट से लेंगे और सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो सैनिकों के साथ न्याय जरूर करेगा। और 10 तारीख को अपना हियरिंग है, भगवान से प्रेयर करते हैं कि हमारे फेवर में ही आए, पोस्टपोन ना हो जाए, क्योंकि बहुत सी तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे इन सरकारों के आगे। कितने भी हो, हम एक हो, 5 हो, 1000 हो, जंतर मंतर पे जो जोत जला रखी ओआरओपी की लड़ाई की वो हमारी जारी जब तक रहेगी जब तक हमें इसकी परिभाषा लागू नहीं हो जाती। अभी हमारे घर कोई गेस्ट आए हुए थे इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई, वो भी अपने एक्स कैप्टन थे कोई आर्मी से, वो बोलते मैडम कल परसों में चार पाँच जनरल से मिला हूँ, उन्होंने नाम भी बताए, मैं नहीं लेना चाहूंगा उन जनरलों के नाम। वो बोल रहे हैं कि ओआरओपी को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि सूबेदार को तो जो आज रिटायर हो रहा है उसको तो कम मिल रही है। मैंने कहा कि आपको एक सूबेदार की तो कम तो दिख भी, जो सरकार ने चाल चली है सिर्फ एक रैंक की हमें दिखा के बोल रहे हैं कि ओआरओपी उसको कम मिल रही है, पहले रिटायर वालों को ज्यादा। मैंने कहा बाकी लोगों की आपके समझ में नहीं आ रही, जो हमेशा सिपाही को हर महीने 5-6 हजार रुपए नुकसान हो रहा है, हवलदार को हो रहा है, सूबेदार को हो रहा है, अफसरों को भी हो रहा है, इतने रंकों को छोड़ के तुम्हें एक सूबेदार की दिखा रहे हो कि नहीं वो आरोपी नहीं दी जाएगी। मैंने कहा कैप्टन साहब उन जनरलों ने घर में बैठ के हार मान ली होगी, हम सड़कों पे बैठ के भी अपनी उस पे कायम है और वो आरोपी हमें तो लेके रहेंगे। आज तो वोट गिर रहे हैं, आज तो चुनाव है, एक दिन तो छुट्टी कर सकते हो। मैंने कहा जंतर मंतर कोई ऑफिस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है कि मैं आज छुट्टी कर लूं, एक दिन की तनख्वाह कटा दूं या फरलो मार लूं। ओआरओपी एक हमारा पूजा स्थल है और वहाँ जब हमारे 80-80 साल के गुजरे कितना दूर दूर से आए होंगे आज, और मैं ना जाऊं ये हो नहीं सकता। ओआरओपी जंतर मंतर मेरा दूसरा घर हो गया है और जिसने जितना जोर लगाना है लगा लें। बहुत तकलीफें सही है जंतर मंतर पे आने वाले सभी भाई बहनों ने, उनमें से मैं भी एक हूँ, मैंने भी बहुत तकलीफों का सामना किया है। एक पल तो मैंने भी सोचा था कि अब इस भलाई का ये परिणाम मिला मुझे, लेकिन मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, हिम्मत दी और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ अपने परिवार की हिम्मत और उनके साथ के कारण, वरना जो इन्होंने किया था चाले चली थी कि मैं जंतर मंतर पे जन सतवीर का साथ ना दूं, यहाँ ना आऊं, तो उनकी चाल याद कभी कामयाब नहीं होगी सरकार की। फूट डाल और राजपुरा की बात करते हैं, हमारे जवानों को भड़काया जा रहा है। हमारे सैनिक भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय जनरल सतवीर ने किया है तो आप जंतर मंतर पे आए और जनरल
अफसरों की ये आरोपी बढ़ा दी। अरे मेरे भाइयों, यहाँ पेंशन बढ़ाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हम, ये लड़ाई बराबरी की है। तो जो आपके बेसिक पेंशन सिपाही की है, जनरल की है, बेसिक के हिसाब से वो आरोपी बढ़ रही है, उसमें जनरल सतनी को अन्याय नहीं करे किसी के साथ। कुछ लोग बात करते हैं कि मैडम डिसेबिलिटी की बात नहीं करते आप, एमएसपी की बात नहीं करते। मुझे बोल रहे कि मैडम एमएसपी की बात करो, हम आपका साथ देने को तैयार हैं, आप जिस मंच पे हो वो मंच खराब है। मैंने कहा तुम्हारी सोच खराब है, मैं जिस मंच पे खड़ी हूँ जंतर मंतर का मंच है, और वो इतना पवित्र मंच है क्योंकि वहाँ हर अच्छा इंसान आता है, वहाँ वो इंसान आते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, जो अपने लिए सोचते हैं वो बियर पीते हैं, बार में जाके बैठते हैं, जो दूसरों के लिए आते हैं वो ही जंतर मंतर पे आते हैं। इतनी तकलीफ में हमारी विधवा बहनों की हालत है, इसलिए जिसमें जो किया जा रहा है कि सिवनी भाइयों को पहले नौकरी दे दी जाती है, 8 महीने 9 महीने हमारी बहनें नौकरी करते हैं, उसके बाद फिर कहते कि आप अप्लाई करो, और इंटरव्यू के बाद हमारी विधवा बहनों को वहां से निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी विधवा बहनों को पहले हक देना चाहिए वहां पे, फिर हमारे सैनिक भाइयों को, और फिर भी अगर वैकेंसी है वहां पे तो सिविल को देना चाहिए। जनरल सतनी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे करके जो सीनियर है आप उनको चिट्ठी लिखें, और जगह जगह हिसार में भी मैं गई थी, वहां विधवा बहनों की यही शिकायत थी कि मैडम हमें नौकरी नहीं है, सिविल को घुसाया गया हुआ उसमें, और अगर नौकरी किसी तरह दे भी जाती है तो वो तो सिरसा के रहने वाले हैं, उसको कहते हैं कि भादुरगढ़ में पोस्ट खाली है, आप वहां जाए। एक विधवा बहन अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के इतने किलोमीटर आके कैसे जाएगी। तो इसलिए जहां जहां हमारी सीएसटी कैंटीन में, हमारे जो ईसीएच के जोन में, तो कम से कम हमारी विधवा बहनों को पहले देनी चाहिए ना नौकरी। क्यों हमारी विधवा बहनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? ईसीएचएस का बात सीए भी विमाला जी ने भी बताया, बाकी लोगों ने सही कहा कि ईसीएचएस में एक लंबी लाइन लगती है दवाई के लिए, खुद बीमार आदमी है 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा, और जब दवाई का नंबर आया बोल के दवाई खत्म हो गई, बाहर से खरीद लो, बाहर से खरीद के जब आप बिल जमा करने जाते हैं कहते कि 3 महीने के एक साथ होंगे तब आपको पेमेंट होगी। ये कौन सा अन्याय है? हम फ्री में तो नहीं ले रहे ना, सैनिकों ने पैसे जमा कराया है वहाँ पे। तो ऐसा एहसान कर रहे हैं कि जैसे सैनिक दवाई लेने जा रहे हैं वहाँ बैठे हुए डॉक्टरों का बर्ताव कई बार बहुत खराब होता है, ऐसे लगता है कि कोई गरीब भिखारी आदमी आ गए और फ्री में वो इलाज कर रहे हैं। उनको समझने में होगा कि जो नौकरी कर रहे हैं वो हमारे पैसे से तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, हमें दवाई दे रहे हो तो हमारे पैसे पहले काटे गए हैं तब हमें जाके वहाँ इलाज के लिए बुलाया गया है, तो हमें अपने हक की आवाज उठानी होगी। और मैं तो कहती हूँ जहाँ भी जाओ, जो डॉक्टर बदतमीजी करता, जो दवाई नहीं लेता, हंगामा करो, एक दूसरे सैनिक को फोन करो और वहाँ 15-20 सैनिकों को इकट्ठा करो। जब तक हम उनकी पोर्सों के सामने नहीं खोलेंगे वो लोग ऐसे ही अन्याय करते रहेंगे। अपने ही लोग अपनों को तकलीफ देते हैं तो सरकारों की क्या गलती बताएं हम? जब मिलने तो किया ही है हमें नीचा। अभी वेटरन्स डे के दिन हम गए हुए थे, जो आईएसएल के गंडेगर करतार सिंह थे, 2 लोग और भी थे, कैप्टन एक उनका महाजन, कैप्टन महाजन एक और तीसरे जो उनको मैं जानती नहीं। जब उनका जो सरकार का एक आदमी आया था उसने बोला कि सरकार ने वो आरोपी दे दिया, और तीनों गुंडे बन के बैठे हुए, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने बोला कि हमें सवाल करना है, वहाँ जो नेवी का एक ऑफिसर था बोलता कि मैडम हमने सवाल वाला तो बात रखी नहीं, चाहे टाइम पे आप जमीनों से बात कर सकती हो। उस टाइम हमने मैंने एडमिरल करमबीर से बात की, अच्छी ऐसे ऐसे में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे तकलीफ है, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है। नहीं मैडम अभी हो गया और अभी ग्राउंड पे लागू किया जाएगा, ये है वो है। सीएसटी कैंटीन की खूब शिकायतें आई थी हरियाणा में, अच्छा हमारी विधवा बहनों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, वो बातें भी मैंने एडमिरल करमबीर से की। तो उन्होंने उस टाइम अपने एक ऑफिसर को बुलाया कि मैडम जो जो गाँव के नाम बता रही है उनके नोट कर लीजिए। एक लाखन मात्रा में सीएसटी कैंटीन और ईसीएचएस खुलवाने की बात थी, दूसरा था वैल झुपा, राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ पे भी दोनों की जरूरत है। सीएसटी कैंटीन 40-45 किलोमीटर दूर तक मेरी बहनों को जाना पड़ता है। तो देखे इसके लिए उन्होंने बोल लिख के तो लिख तो लिया उस टाइम, उसके बाद हमने कहा कि हमें मीटिंग चाहिए, तो आज तक हमें मीटिंग नहीं मिली है। तो हमारे सीनियर सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम जवानों के बारे में करेंगे, हम विधवा बहनों के हकों की बात सोचते हैं, पर ग्राउंड पर कोई कुछ नहीं करता, बहुत दुख होता है। तो हम बार बार उनको चिट्ठियाँ लिखते रहेंगे, और एक दिन जरूर हमें अपना ओ आरोपी
लेके रहेंगे। वन रैंक वन पेंशन हमारा हक है और कोई सरकार इसे रोक नहीं सकती। भारत माता की, भारत माता की, जिस देश के सैनिक सड़कों पर, जिस देश के सैनिक सड़कों पर, भारत माता की, जय जवान, जय हिंद। वाकई हमारे देश में जवानों की बुरी हालत है, चाहे वो ईस्टर्न सर्विस में है, चाहे पूर्व हमारे जवान है। ईस्टर्न सर्विस की रिपोर्ट तो दे दिए काल ने, आपको पता ही होगा कि क्या हालत है हमारे जवानों की। और आज के पूर्व जवान जो है वो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें ORP मिल जाए, और अभी तक गवर्नमेंट के काम पर जुड़ी नहीं देखी और ना ही हमें ORP मिली है। हमें अगले अवस्था पंजाब से आए मेरे बहुत ही इष्टकार मेरे जन सतबीर साहब आसर साहबान और जन सतबीर जी समुची टीवी, मैं इनका सरूर वालों जवानों की तरफ से तह दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये लगातार जहाँ पर जंतर मंत्र पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मी आवे नेहरी आवे जो भी कुछ है, हर दिन जहाँ पर आते हैं और अपना संघर्ष इन्होंने जारी रखा हुआ है, जैसे हमारे सैनिकों का इन्होंने सिर तय करके रखा हुआ है, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा संघर्ष जो 7 मई से चल रहा है इनकी समुची टीम से, तो जन सुबीर साहब बहुत ही अच्छे ढंग से ये लड़ाई चला रहे हैं, हम इनका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, जब यह लड़ाई चली थी तो मेरे साथ एक कैप्टन साहब थे, उन्होंने बहुत लंबा समा मेरे साथ बातचीत की, बोलते आप करेंगे संघर्ष करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये है सरकारें ये करती हैं वो करती हैं। मैं उसको बताया कि कैप्टन साहब मैंने बड़े 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 संघर्ष पढ़े हैं, लेनिनवाद पढ़ा है, मार्क्सवाद पढ़ा है, ये संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती, ये कितने 90 हो जाए। जो हमारे आगू हैं उनमें बड़ा हिम्मत है, उनका बड़ा दर है, वो लंबे समय तक ये संघर्ष लड़ सकते हैं। तो साथियों, मैं बहुत हमारे सरूर की तरफ से बहुत खुश हूँ कि जन सुबीर बहुत लंबे समय से अपना बड़ा दिल